एटी न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम एटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। विकासखंड फकतपुर के ग्राम पंचायत करहरा नगदिलपुर के प्रधान प्रतिनिधि की अवैध वसूली से जनता परेशान। प्रधान प्रतिनिधि ने ग्रामीणों से लगभग 2 वर्ष पूर्व आवास देने के बहाने ठगा पैसा। पहला पूर्वा निवासी सुनील के पिता से करहरा नगदिलपुर के प्रधान प्रतिनिधि धर्मपाल निशान ने लिया 5,000 रुपया। 5,000 रुपए लेने के बाद भी नहीं दिया आवास। आप देख सकते हैं कि कैसे यह व्यक्ति टूटी झोपड़ी में अपने परिवार को लेकर कर रहा जीवन यापन। ऐसे ही प्रहार पूर्व निवासी कृष्णकांत से गरहरा नगदिलपुर के प्रधान प्रतिनिधि धर्मपाल निशान ने आवास देने के बहाने ठगा 7,000 रुपया। कृष्णकांत ने बताया कि लगभग 2 साल पूर्व आवास देने का वादा करके 7,000 रुपए की मुझसे अवैध वसूली की प्रधान प्रतिनिधि ने, लेकिन अभी तक नहीं मिला मुझे आवास। मजबूरी में मुझे लेना पड़ा मीडिया की मदद से अपने साथ हुए नाइंसाफी। वह प्रधान की अवैध वसूली को प्रशासन के अधिकारी व भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के पास पहुंचाने की कोशिश की है। सुनील कहाँ के निवासी हैं? गरेरा नगदिलपुर। पहलाद पूर्वा गरेरा नगदिलपुर। क्या समस्या है आपके? समस्या है जमीन पावन आए हैं, एडवांस पैसा 5,000 दिन है। किसको दिया था एडवांस? धर्मपाल का। धर्मपाल कौन है? प्रधान। प्रधान प्रतिनिधि। क्या कह रहे हैं आप? अब जुतियाँ बनाए रहे हैं 2 साल से, कहा था आप दी थे, जितना है कल, अभी तक नहीं मिला आपको? अभी तक नहीं। तो आपने कहा नहीं कि पैसा पहले क्यों ले रहे हैं? नहीं कहा रहा है कि आपको कल भी मिल जाए। कृष्णकांत कहाँ के निवासी हैं आप? पालातपुरवा गरेरा नगदिलपुर पालातपुरवा। क्या समस्या है आपकी? हमारे पास जो है देखो कि नहीं, एक बिस्वा जमीन है, घर कुरिया वो बैठक नहीं है, चप्पर चरे कोने मेरे की गुजारा काट रहे हैं। 7,000 रुपया जो है 2 साल में लेने प्रधान लौट का आज हमका कहने घर बनवाए जब कॉलोनी तुमका जब, और आज तक हम कुछ नहीं पाए हैं। हम कितनी समस्या मुसीबत हमरे पर है कि लड़का सब पानी में द्वारे मुहारे सब चीज़ें पानी से है ना बैठे ठिकाना है ना कुछ है हमारे पास। जनपद बहराइच से नीरज गुप्ता की रिपोर्ट।